हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करी विद कमल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मटर पनीर की सब्जी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक फ्राई पैन में मैंने 3 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल के गरम होते ही हम इसमें 100 ग्राम पनीर क्यूब्स डाल देंगे और इसे कुछ देर तक फ्राई करेंगे, जब तक कि इसके ऊपर अच्छे से गोल्डन ब्राउनिश परत नहीं आ जाती। बीच बीच में हम इसको पलटते पलटते रहेंगे, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। देखिए, कुछ ही देर में पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल के अलग से प्लेट में रख देंगे और जो बचा हुआ तेल है वो हम सब्जी में यूज़ कर लेंगे। तो ये सारा पनीर हम निकाल लेंगे। तो ये मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे हम प्रेशर कुकर में। तो जो बचा हुआ ऑयल था वो मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है और साथ में ही 1 टेबलस्पून जितना ऑयल और डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग और 2 छोटी इलायची तोड़ के ऐड कर दी है हमने। अब हम इसे कुछ देर तक सौटे करेंगे। जीरा चटकते ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज कद्दूकस किए हुए हैं वो ऐड कर देंगे। आप चाहे तो प्याज की पेस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सॉटे करेंगे। प्याज के गोल्डन ब्राउन हो जाने पर अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक सॉटे करेंगे। अब हम इसमें 2 टमाटर कद्दूकस किए हुए हैं वो ऐड कर देंगे, साथ में ही सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, रेगुलर लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च मिलाकर 2 टीस्पून ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेवी में से तेल अलग होने तक इसे सॉटे करेंगे। देखिए, कुछ ही देर में मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, किनारियों पे तेल भी अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप यानी 180 ग्राम जितने फ्रेश मटर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें 1.5 कप यानी 250 ml जितना पानी ऐड कर देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे इसमें 3 से 4 विसल बजा लेंगे। चार विसल बजा लेने के बाद हमने कुकर को ठंडा कर लिया था, तो चलिए खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए, ये हमारी सब्जी बनके रेडी है। मटर भी गल चुके हैं, ग्रेवी भी बहुत अच्छी हो गई है। तो अब हमने जो पनीर फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे, साथ में ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। आप चाहे तो अभी इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, पर मैं घी में गरम मसाले का तड़का लगाऊंगी इस सब्जी में, जिससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये एक तड़का पैन में 2 टीस्पून जितना देसी घी डाल देंगे। घी के गरम होते ही अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आपका गरम मसाला कितना तेज है उस हिसाब से ऐड करें। अब हम तुरंत इसको सब्जी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारी स्वादिष्ट मटर पनीर की सब्जी। इसे गर्मा गर्म रोटी, परांठा या नान के साथ सर्व करें। तो इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और ख़ास करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, जल्दी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।